तो आज का टॉपिक है हमारा प्रिज्मेटिक बार और कॉनिकल बार, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो मुझे इसके साइज और शेप को देखकर ही पता चल रहा है कि जो ये हमारी प्रिज्मेटिक बार है वो मुझे रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रही है, और कॉनिकल बार इसके नाम से ही पता चल रहा है कोण की शेप की होगी। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक बार क्या होती है कि इसके थ्रू आउट द लेंथ इसका ये क्रॉस सेक्शन है, यानी ये आगे वाला हिस्सा, इसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ये हमेशा इक्वल रहेगा। वहीं हम बात करें कॉनिकल बार की तो इसका ये एरिया वेरी करता रहेगा। तो आज का टॉपिक हमें ये समझाने के लिए हमें चाहिए कटर में, जो आज का टॉपिक हमको समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिज्मेटिक बार की, और इसको समझने के लिए हम सहायता लेंगे हमारी कटर मैन की। तो कटर मैन क्या करेगा, इसको दो अलग अलग सेक्शन में काटेगा। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको आगे से देखूंगा वापस, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जब मैं वापस देखूंगा तो पहले वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे ये मिलता है, दूसरे वाला का देखूँ तो वो भी ये मिलेगा, और तीसरे वाले का देखूँ वो भी ये मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रिज्मेटिक बार को थ्रू आउट द लेंथ आप कहीं से भी काटिए, फिर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, वो हमेशा इक्वली रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ कॉनिकल बार की, तो इसको वापस मैं दो सेक्शन में काट के देखूँ तो मुझे दिखाई देगा कि नीचे वाला एरिया A1, दूसरा एरिया A2 और तीसरा एरिया A3, यानी कि इसमें एरिया वेरी करता रहेगा, यानी इक्वल नहीं रहेगा। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जो प्रिज्मेटिक बार होती है वो थ्रू आउट द लेंथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल रहेगा। वहीं बात करें कॉनिकल बार की तो इसमें आपको वेरी करता दिखाई देगा। यह तो इसके साइज और शेप के आधार पर बात। अब बात करते हैं हम इसको इलोंगेट के आधार पर, इलोंगेशन के आधार पर हम इन दोनों में डिफरेंस को पता करते हैं। तो एक साइड लूंगा मैं प्रिज्मेटिक बार, दूसरी साइड लूंगा कॉनिकल बार, इन दोनों बारों को फिक्स एंड करके मैं लटका दूँ, तो लटकने की वजह से इसके सेल्फ वेट के कारण ये बार कुछ ना कुछ इलोंगेट होगी, ये भी और ये भी। तो इनके लिए इलोंगेशन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, प्रिज्मेटिक बार के लिए होता है लैम्डा एल स्क्वायर बाई 2e, और कॉनिकल के लिए लैम्डा एल स्क्वायर बाई 6e। और इन आपको ये भी पता करना होगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज में इसका पूरा डेरिवेशन करा के रखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो इन दोनों के फॉर्मूले से देखने को मिलता है कि प्रिज्मेटिक बार होती है जिसका लैम्डा एल स्क्वायर बाई 2e, और कॉनिकल बार का होता है लैम्डा एल स्क्वायर बाई 6e। तो प्रिज्मेटिक बार का फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ इक्वल कॉनिकल बार के, आप देख। तो प्रिज्मेटिक बार के फॉर्मूले को यदि आप 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉनिकल बार का। तो एक आपको ये भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज का टॉपिक हम यही करते हैं। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.